भी इन लोगों ने बहुत मेंटली टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। इसलिए जो नूर है ना वो बेवजह हंसती रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बोल सकती है, लेकिन वो ससुराल की इज्जत के खातिर बोल लो, ये बहुत सारा रीज़न होगा, क्या रीज़न होगा मुझे नहीं मालूम, जिसकी वजह से नूर जो है ना चुप है। अगर नूर मुँह खोल देना तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और ये जो शेरू भाई दिखाते हैं ना, बहुत अच्छे पति है, बहुत अच्छी पति है, वो कितने अच्छे पति है ना, अब बोलते हैं ना कि एक दूसरे की बुरे वक्त पर ही अपने पार्टनर की पहचान होती है। तो नूर के बुरे वक्त पर शेरू भाई दिख गया, बीवी वहाँ पर लंगड़ा लंगड़ा के क्लिनिक है, मतलब बरकात। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी खैर खर्च होंगे। ये यहाँ पे एक पिंपल था जिसको मैंने वो किया तो थोड़ा सा खून निकल गया, वैसे दबाया था तो खून निकल गया, बहुत अजीब दिख रहा है। तो बात करते हैं शेरू भाई के ब्लॉग के बारे में। इससे पहले मैं एक अपडेट आप लोगों को देती हूँ, एक्स मुस्लिम साहिल के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरे दूसरे चैनल हिंदू मुस्लिम कपल ब्लॉग्स में। तो जिन जिन लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा मेरे दूसरे चैनल पर, जल्दी जल्दी जाइए जाके हिंदू मुस्लिम कपल ब्लॉग्स, मेरा जो चैनल है आप लोगों को पता ही होगा, उसमें जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने इस चैनल के कम्युनिटी में वो वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं शेरू भाई के बारे में, जिस वीडियो में जो है तरवेज़ का मतलब तब्बू का खतना हुआ है। मुझे एक चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, नूर खुद बीमार है, उसका पैर जो है, पैर की उंगली टूटी हुई है, वो खुद बिस्तर में है। और जो माएँ होती है वो मेरी बात से शायद एग्री करेंगी कि हम माएँ जब बीमार रहते हैं तो बच्चों का देखभाल इतने अच्छे से नहीं हो पाता, स्पेशली जब हम चल फिर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब इब्राहिम हुआ था मेरे पेट में स्टिचेस थे, तब मैं आनम को उतना अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती थी। इससे पहले मैं आनम को अपने हाथों से खिलाती थी, लेकिन इब्राहिम होने के बाद से आनम ने खाना सीखा है, अपने हाथों से नहाना सीखा है। सो ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक माँ अगर बीमार रहती है तो बच्चों का देखभाल होता नहीं है। और शेर भाई के कल के व्लॉग में भी हमने देखा है कि जब हमारी जो है आंटी जी, शेफ आंटी, केक काटने में इतनी बिजी थी, तब वो इतना रो रहा था उसके माँ के गोद में जाने के लिए। ऐसा होता है ना कि भाई नूर दर्द में है, उंगली टूटा है, हड्डी मतलब टूटी है, तो दर्द तो जाहिर सी बातें हो गई, पहला दिन है कि भाई लाओ थोड़ा पोते को मैं संभाल लेती हूँ, या फिर शेरू भाई के लाओ भाई बेटे को मैं चुप करा देती हूँ अपने बेटे को, लेकिन उनको बस रिकॉर्डिंग और केक कटिंग, केक खाना, इनमें ही वो बिजी थे। आंटी जी को देख के ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मांतर से केक वो नहीं खाई, वैसे भी ये उनकी पुरानी आदत है, ये लोग खाने के लिए जीते हैं, खाना देख के वो लोग ऐसे एक्साइटेड होते हैं जैसे जन्मों जन्मांतर से खाया ना हो। सो उस क्लिप को देखते हुए तो हमको ये समझ में आ गया था, जहाँ पे खुद का बाप खड़ा है, बच्चा पीछे से रो रहा है, माँ उसको संभाल नहीं पा रही है, लेकिन बाप को जो है शूटिंग करने की पड़ी हुई है रदर देन के बच्चे को संभाले। सो नूर जो है वैसे ही बीमार होकर पड़ी हुई है, पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा। और वो कल के व्लॉग में आंटी जी को जो है सॉरी भी बोल रही थी, सोचो वो कितनी डरी हुई है कि वो घर का काम नहीं कर पाएंगे, और आंटी जी का मुंह तो ऑलरेडी टेढ़ा होके ही था। अगर कल के व्लॉग में आंटी जी का एक्सप्रेशन देखोगे आप लोग, एक्सप्रेशन देख के समझ जाओगे कि आंटी जी को जो है नूर के उंगली टूटने से ज़्यादा, जितना दर्द नूर को हो रहा है उससे ज़्यादा दर्द आंटी जी को हो रहा है घर के काम के लिए। क्योंकि अब जो है उनके परमानेंट वाली काम वाली अब बेड रेस्ट पर चली गई, अब घर का काम कौन करेगा, और आंटी जी दिन भर किचन में घुसती रहेंगी तो हाहा ही कहाँ से करेंगी। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि भाई नूर बीमार है, कहाँ उसको तुम लोग रेस्ट दोगे, घर में दो दो बच्चे हैं, तीन चार लोग मिलके दो दो बच्चों को संभालना, घर का काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और ऊपर से नूर को भी देखना है। साथ में इन लोगों ने क्या किया कि भाई अच्छा नूर तो अभी बेड रेस्ट में है, नूर तो कोई काम नहीं कर रही है, तो लाओ चलो तब्बू का खतना करवा देते हैं, नूर तब्बू को देखेगी। अरे भाई खतना होने के बाद जितना मैंने सुना है, अब तक तो मेरे बेटे का हुआ नहीं, बट इस साल मेरे बेटे का खतना करने का मैं सोच रही हूँ, नियत तो मैंने कर ली है, अब आगे अल्लाह मालिक क्या होगा। तो मैंने सुना है कि भाई जब खतना होता है बच्चों का तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत सताते हैं। और मैंने नाज़ी आपा के व्लॉग में भी देखा था, जिस दिन आज़म का, नाज़ी आपा बहुत अच्छी माँ है यार, मानना पड़ेगा नाज़ी आपा को, वो सच में बहुत अच्छी माँ है। उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे पसंद आती है, कुछ कुछ नहीं पसंद आते, हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, मुझ में भी है, बट कुछ कुछ चीज़ें एज ए मदर वो बहुत अच्छी है। सो नाज़ियापा, जिस दिन आज़म का खतना हो रहा था, भाईजान का मुँह लटका हुआ था, नाज़ियापा जो है उसका रोना रोना जैसा हालत हो गया था। आप लोग अगर उसका व्लॉग अगर फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन ये लोग जो हाहा ही करते जा रहे थे, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, ये किस किस्म की इंसान है भाई। बच्चा जा रहा है खतने के लिए, एक होता ना एक डर लगता है, एक होता ना बुरा लगता है कि बच्चा भी आस्ते आस्ते जा रहा है, रोते रोते आएगा, लेकिन इन लोगों को हाहा ही से वक्त ही नहीं मिलता है। इनको बस एक मौका चाहिए होता है हाहा ही करने का, और वो मौका वो लोग ज़ाया नहीं करते हाहा ही करने में। ये आंटी जी अभी उमरा से आई, दो दिन भी नहीं हुआ,
आते ही वही पुराने रंग ढंग में ही डल गई। और शेरू भाई को तो बस चाहे बेटे का खतना करवा के लाए, कहा उसको चुप करेगा क्या करेगा। उस टाइम पे भी उसका व्लॉगिंग, वो तब्बू को लेके जब घर में घुस रहे थे तो वो पीछे से वो शूट ही कर रहा था, बच्चा उधर बेडरूम में रो रहा है तब भी वो शूट कर रहा था। मतलब किस किस्म के बाप हो भाई, मतलब बच्चे से ज़्यादा व्लॉगिंग है क्या, बच्चे से ज़्यादा डॉलर कमाने की शौक है क्या, मतलब कुछ तो सेंस रखो। इंसान व्लॉगिंग करता है नो डाउट, अपने सब्सक्राइबर के साथ हर चीज़ शेयर करता है, शेयर करना भी ज़रूरी है, लेकिन तुम लोग जो मुद्दे की बात होती है वो लोग तो तुम लोग शेयर करते नहीं हो। लेकिन जो यूज़लेस चीज़ होती है, मैं ये नहीं बोलती कि खतना यूज़लेस है, लेकिन बच्चा अगर अपना बच्चा यार दर्द में है, अभी उसका खत कटवा के लाए हो, उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, उसके पास रहो, उसको थोड़ा चुप करवाओ। लेकिन तुम लोगों को तो शूटिंग की पड़ी है, बीवी की उंगली टूट गई, वो क्लिनिक से निकल रही है, कूद कूद के जंप कर करके वो चल नहीं पा रही, उस टाइम पे भी शूटिंग चलो। अरे भाई मोबाइल पॉकेट में रख, बीवी को उठा के पहले लेके जा बाइक में बिठा, घर पे जा, क्लिनिक अंदर का तो दिखा दे, उसके बाद बातचीत करना। ऐसा नहीं है कि वो तू थोड़ा सा पार्ट नहीं दिखाएगा तो सब्सक्राइबर लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं है कि तेरे बेटे का खतना करवाने के बाद रुलाते हुए पार्ट नहीं दिखाएगा तो सब्सक्राइबर बुरा मान जाएंगे। सब समझते हैं यार, बच्चा है वो कटवा का है, उसको न जाने कितनी तकलीफ हुई होगी, हम सब समझते हैं। वो पार्ट नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, एटलीस्ट अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। किस किस्म के माँ बाप है यार, मुझे समझ नहीं आता। बीवी इधर बीमार पड़ी है, उसका पैर जो है वो पैर लेके चल नहीं पा रही, कहा उसको एडल्ट वर्कर ला के देते कि चलो भाई बाथरूम आने जाने को भी उसको तकलीफ न कम हो, उसको एडल्ट वर्कर तो ला के नहीं दिया, ऊपर से बेटे का भी खतना करवा के उसके पास दे दिया। भाई वो बेटे को संभालेगी कि खुद का दर्द संभालेगी? अम्मा तो आंटी जी तो कहीं से भी दूर दूर तक नूर का ख्याल रखते हुए दिखी नहीं, ना शेरू भाई दूर दूर तक नूर का ख्याल रखते हुए दिखे। हाँ ये कन्फर्मेशन जरूर करवाया कैमरा के सामने कि तू आज कैसा फील कर रही है, बेटर फील कर रही है ना, मतलब ये जनता को तुम ये बताओ, अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर फिर भी तुम बताओ कि मैं अच्छी फील कर रही हूँ ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना आए। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि नूर प्रिटेंड कर रही है, नूर के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो बता अगर वो बताए ना तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाए, लेकिन नूर जो है ना कहीं दबी हुई है जिसकी वजह से वो पूरी चीज़ें नहीं बता पाती है, और इनको बस हर चीज़ जो है ना कैमरा के सामने दिखाना होता है सिवाय मुद्दे की चीज़ें। जैसे कि अब्बा हो गया हो, भाई अब्बा को तो तुम लोग कैमरा के सामने लाते नहीं हो, या फिर अब्बा से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है तुम लोग क्लेरिफाई करते नहीं, बस इतना है कि अब्बा है ठीक है। अब बोलते हैं कि मुझे भाईजान की जो है ना मदद लेने की ज़रूरत पड़ी, ऐसे वैसे भाई भाईजान की मदद लेने की क्या ज़रूरत थी, जिस घर में अब मेरा इब्बू का जाकर खतना होगा तो उसके बड़े अब्बू, उसके दादा और उसके इब्बू के अब्बा ही काफ़ी है ना भाई। इब्बू के फूफा को वैसे तो है नहीं, फूफा को तो बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इब्बू के दादा है ना इब्बू के साथ, तो इब्बू को तो दूसरे किसी की ज़रूरत है ही नहीं, तो तुम्हारे भी तो अब्बा है ना अकॉर्डिंग टू यू, हमको तो पता है अब्बा है कि नहीं है, बट तुम अगर अपने मुँह से बोल लो तो जिस घर में बुजुर्ग है तो उस बुजुर्ग के साथ अपने दादा के साथ भी तो वो जा ही सकता है ना, भाईजान की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तीन मर्द, तीनों मर्द चल जाओ ख़त्म करने, शेरू भाई खुद नहीं देख पा रहे, चलो रियाज और अब्बा तो काफ़ी है, क्यों अब्बा कहाँ है? बेटे की शादी के टाइम पे भी अब्बा नहीं दिखे, पूरे वलीबा के ब्लॉग में अब्बा नहीं दिखे, बेटों के खतना के टाइम पे भी अब्बा नहीं दिखे, अब्बा है कहाँ? अगर तुम लोग बोल रहे थे कि मैं बोलती हूँ मेरा ससुर है, हर चीज़ में मेरा ससुर और ससुर होते हैं, हर चीज़ में होते हैं, मेरे घर वाले जो है ऐसे पर्दे वाले लोग हैं, मैं उनको कैमरा में नहीं ले सकती ना, मैं लेती हूँ ना थोड़े के लिए लेती हूँ ना ज़्यादा के लिए लेती हूँ, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ फिर बोलती नहीं मेरे घर वाले तो पर्दे वाले हैं फिर थोड़ा दिखाती हूँ। भाई अब्बा जो है शादियों में बेटे की वलीमा के टाइम पर तो था, लेकिन नॉर्मल डेज में अब्बा दिखाई नहीं देते हैं, उन लोगों ने अब्बा का रूम टूर तो दिखा दिया लेकिन अब्बा के रूम टूर में सामान नहीं दिखाया। तो मेन जो ऐसा है, जो मेन मुद्दे की बात है जो पब्लिक जानना चाहती है, जिनी का डिवोर्स का असली वजह क्या है, अब्बा कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, जिनी और नाजिया पर बात क्यों नहीं करती, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाओ, वो क्लियर करो, रेदर देन तब्बू रो रहा है या फिर नूर जो है इनको कि अपने बीवी और बच्चों के तकलीफ से जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इतना ही फ़र्क पड़ता तो यूसुफ इतना ज़िद्दी ना होता, यूसुफ को पहले ये सही करते, इनको प्लस ब्लॉगिंग करना है, अल्लाह ना माफ़ करे कभी ऐसा ना हो उनके घर में, अगर इनके घर में किसी की मौत भी हो गई ना तो भी जनाजे को भी शूटिंग करके ये लोग दिखाने में कम नहीं करेंगे, ये ऐसे लोग हैं। खैर एक चीज़ अच्छा हुआ कि भाई जीनत जो है दिखाई दी, जिन्हें दिखाई दी तब्बू का जब खतना हुआ उसके बाद रूम पे जिन्हें दिखाई दी, शायद हमारे बोलने पे आज जिन्हें दिखाई दी क्योंकि बहन के बेटे के टाइम पे तो वो थी नहीं हाजिर, चलो खतना के टाइम पे तो मर्द ही रहते हैं,
माँ भी रहती है बच्चों को चुप कराने के लिए बाद में, लेकिन मेल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहन की बेटे के टाइम पे तो जिन्हें दिखाई नहीं दी कि भाई थोड़ा बहन को हाथ बटा दूँ या जो भी सारी चीज़ें बहन की थोड़ा हेल्प कर दूँ या फिर आजम को संभालो। खैर नाजिया अपा ने तो संभाल ही लिया, बहुत अच्छे से माशाल्लाह संभाला, और आजम का तो सूख भी है। और मैं दुआ करती हूँ कि तब्बू का भी जल्द से जल्द सूख जाए, तब्बू को भी जल्द से जल्द शिफा मिले, नूर को भी जल्द से जल्द शिफा मिले, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए दुआ करूँगी अच्छा तो उसके बदले मुझे अच्छा ही मिलेगी, मैं ये चीज़ मानती हूँ। जिनी आज दिखाई दी, क्यों भाई आज ही जिनी क्यों दिखाई दी भाई, क्योंकि भाई के साथ अच्छा रिश्ता है और आजम के टाइम पे नहीं दिखाई दी क्योंकि बहन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। अरे बेशरम लोगो, बेशरम छोकरी, अरे चाहे भाई हो बहन हो, झगड़ा किसी पे भी हो, बच्चे बच्चे होते हैं, कम से कम ऐसे वक्त पे तुझे अपने बहन के साथ खड़ा होना चाहिए था, मायके से हिस्सा चाहिए, इसीलिए भाइयों से झगड़ा नहीं करेगी, बहन के पास से तो हिस्सा नहीं ले सकती ना, तो बहन के साथ झगड़ा करके जो उससे रिश्ता कट कर सकते, लेकिन मायके से तो हिस्सा चाहिए ना जिन्नत को। अब मायके के साथ ही लड़ लगी, भाइयों के साथ ही लड़ लगी, तो हिस्सा कहाँ से मिलेगा? ये उनका प्लानिंग है, ये उनका प्लानिंग है और कुछ नहीं। और वैसे भी सबा तो सब काम कर लेती है, सबा तो बहुत काम करती, तो भाई जिन्नत को बुलाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि सबा जो है ना वो महारानी है, उससे उसकी अब्बा से जो है ना इन लोगों ने मोटे रकम लिया है ये ज़मीन खरीदते टाइम पे, इसीलिए सब्बा को जो है VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये असली बात है, इसीलिए आज जीनत को बुलाया गया। वरना आज जब नूर सही होती है तो सब कुछ नूर अकेले हाथों करती, बच्चे भी संभालती, यूसुफ को होमवर्क भी कराती, खाना भी बनाती, कपड़े भी धोती, हर चीज़ करती, तब जीनी हाथ तक नहीं बटाती है। अरे उस दिन जुहू चौपाटी गई ऑल द टाइम, तब्बू नूर के ही गोद में था, जिनी ने बोला नहीं कि ला भाभी तो मैं भी थोड़ा तब्बू को लेती हूँ, और तब्बू तो वैसे भी हल्का पतला बच्चा है, उतना है मतलब माशाल्लाह से उसकी हालत वैसी नहीं है, मतलब दुबला पतला सही है, तो उसको लेने में तो इंसान थकता तो है नहीं, लेकिन आज बड़ी आ गई जिनी, क्योंकि अम्मा ने बुलाया ना जिनी को आने के लिए, क्योंकि अम्मा से अकेला काम हो नहीं रहा और सबा को तो इन लोगों ने महारानी बना के रखा है, तो ये उनकी जो है ना असलियत है। और कहीं ना कहीं जो है ना नूर को भी इन लोगों ने बहुत मेंटली टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है, इसलिए जो नूर है ना वो बेवजह हंसती रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बोल सकती है, लेकिन वो ससुराल की इज्जत के खातिर बोल लो, ये बहुत सारा रीज़न होगा, क्या रीज़न होगा मुझे नहीं मालूम, जिसकी वजह से नूर जो है ना चुप है। अगर नूर मुँह खोल देना तो इनकी धजियाँ उड़ जाएगी। और ये जो शेरू भाई दिखाते हैं ना, बहुत अच्छे पति है, बहुत अच्छी पति है, वो कितने अच्छे पति है ना, अब बोलते हैं ना कि एक दूसरे की बुरे वक्त पर ही अपने पार्टनर की पहचान होती है, तो नूर के बुरे वक्त पर शेरू भाई दिख गया, बीवी वहाँ पर लंगड़ा लंगड़ा के क्लिनिक से बाइक तक जा रही है और तुम यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए बिजी हो गए हो, तुमको पैसा कमाना है, कमाना है भाई, पैसा बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे तुम्हारे हो मेरे हो हर किसी के लिए, लेकिन कुछ कुछ वक्त पे ना कैमरा को साइड करना पड़ता है, फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है, जो तुम लोगों ने सीखा नहीं, अगर सीखते ना तो फैमिली आज यूँ तुम लोगों की बिखरा हुआ नहीं होता, और बिखरे हुए फैमिली को लोगों के सामने जो है ना जोड़ा हुआ फैमिली दिखाने की कोशिश ना करते। तो चलिए आज का ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिए दुआ की दरख्वास्त, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।